अति सुंदर भाव में नृत्य परेषण कर ओम साई कला निकेतन अनुगुल आसी समस्त नृत्यशिल्पी निहत भाव जमी मुझी तालचेर अधिष्ठात्री देवी आराध्या देवी माँ हिंगुलाई माँ हिंगुला अष्ट महाविद्यातम चैत्रमास शुक्लपक्ष विष्णु दमनक चतुर्दशी माँ पालन कराए वार्षिक उत्सव एवं नौ दिन धरी माँ अग्नि रूप से प्रकट होती एवं पूजा अर्चना करा थाए नौ दिन तेणु यह नवदिनात्मक यात्रा बोली कहा जाए थाए आम समस्ते जानू निहाती भाव में माँ को जिते महिमा कहले कम पड़ीजी राति पाई सकाल किंतु सरबनी निहाती भाव में माँ को आशीर्वाद नहीं आज कार्यक्रम आम आरंभ कर समस्त आशीर्वाद समस्त भल पाइबा आम कलाकार मान सहित एमती भाव जड़ित ही रही था तेरे निहाती भाव में बर्तमान आ जमा भी बेस लेट करने को चाहिए आर एन बी डांस ग्रुप तालचेर ए माटीर गर्व गौरव ओडिया साहित्य कला संस्कृति ऐतिह परंपरार ये माटी तालचेर माटी समस्त कलाकार मानू अनुरोध करी मंच को आसवे अति सुंदर भाव में नृत्य परेषण करेंगे भजन गीत बेड़ी का बेड़ी तेरे समस्त कलाकार मैंने आसी पहुँची सारी मंच में कितु ता पूर्व जी आपने दर्शक मैंने प्रेजेट अच्छा बहु संख्यार किंतु ताली जमा भी ना समस्ते टे जोरदार टे कलताली देते समस्ते मिसिकी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हाय रे मरगी दरते टांग फटी जा रही से ओ भोले ओ आगे जाने वाले भोले हाँ भोलन अरे के बात से नेक हमें भी संग में लगाए ले भोले इब के तो मंजिल काटनी भारी पड़ रही से आजा भोलन आजा तने बड़ी फिक्र करी
बोली संग की आगे अति सुंदर भाव में रवि नारायण बेहरा आर एन बी डांस ग्रुप नृत्य परिवेशन करिसेंती एही मंच रे कथरे अछि ना क्यों दुख रहू ना विडम्बना ना क्यों दुख रहू ना विडम्बना ना क्यों स्वार्थ रहू अहम भावना सदा झरी पड़ू सभी को पाद तले सुखर झरना सदा झरी पड़ू सभी को पाद तले सुखर झरना ए पवित्र दिन में मोर इतिकी कामना ए पवित्र दिन में मोर इतिकी कामना निहाती भाव रे ए पवित्र दिन रे पवित्र मंच रे द्वितीय संध्या माँ हिंगुला यात्रा और लोककला महोत्सव 2023 रे समस्त कलाकार माने पहुंची सारी सुदूर आसी ते वर्तमान अगेन आउ थरे स्वागत करबा को चाहिबी सम्मान सह स्वागत करबी ए मंच को ओम साई कला निकेतन नै आसुछंती एक सुंदर भजन नृत्य हाय गो जशोदारारी धन्यवाद समस्त कलाकार मानू अनुरोध करी मंच को आसबे सुंदर भाव में नृत्य परेशन करेंगे हाय गो जशोदारानी फ्रॉम ओम साई कला निकेतन अनुगुल
हेलो 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 आज मंच पर ओम साई कलानिकेतन हाई गो जशोदाराणी अनेक आकर्षण नृत्य कले संबलपुरी उपर आधारित ओम साई कलानिकेतन चलत आम पश्चिम ओडिशा बुली जावा कि पूर्वर आम गोटे संगीत परिवेशन करिबे आमर दीपक भाई को अनुरोध करिबे से मंच उपरे आमे किछि काली तो भजन परिवेशन कले तेन करी भजन सुनिया परे अनुरोध करछि दीपक भाई को आउ गोटे से पुरातन आधुनिक संगीत एवं स्वर्गीय अक्षय महांतिर से अबुला स्मृतिर कहानी ए जो चिरस्मरणीय से गीतटी को नहीं आसंती दीपक भाई तापर गोटे गीत पर पुणी आम ताले चाड़े से माँ समलेश्वरी से पश्चिम ओडिशार लोकनृत्य को नहीं ए मंच परिवेशन करिबे कला ओ कलाकार दिला परा ठिकणा
एते ठिकणा सही आधुनिक संगीत एवं नृत्य रे आमे झुमिजवा पुणी थरे ए मंच रे पुणी थरे नृत्य परिवेषण करिवा चली को नृत्य परिवेषण करिवा तेबे आमे समस्ते दर्शक माने भजन देखि सारिलेनी अनुगुल तालचेर तेबे वर्तमान टिके पश्चिम ओडिसा को छुबा के माने समलेश्वरी आज्ञा समलेश्वरी सही समलपुर रो लोकनृत्य जहाँ ख्याति अर्जन करछन्ति से नृत्य कौन पश्चिम ओडिसा रो नृत्य आमे समस्ते जानिछु को नृत्य हेथिबो संबलपुरी नृत्य रंगवती वर्तमान दबनी नाय कने रंगवती नृत्य देले लोक माने झुनिबे झुमिबे आउ टिके जाओ ताले कौन दबा बर्तो ताहेले रसर केली चलिबो डाल खाई निहाते भाव रे चलेबो ठीक अछि वर्धन से पश्चिम ओडिसा रो लोक नृत्य नै आछन्ती कला ओ कलाकार माने नृत्य शिल्पी बहुत पुरातन नृत्य शिल्पी जहांकर सारा भारत वर्ष रे दिल्ली थारु अमेरिका पर्यंत हात लंबी छै एवं नृत्य परिवेषण करछन्ती से नृत्य शिल्पी एले कला ओ कलाकार नृत्य परिवेषण करिवे से कलाकार माने पश्चिम ओडिसा रो कलाकार संबलपुर रो संबलपुरी नृत्य डाल खाई नृत्य परिवेषण करिवे ए मंच रे कला ओ कलाकार अनुष्ठान किंतु समस्त कलाकार माने को पाई टिके जोरदार टिके ताली देउंतु समस्ते बहु संख्या रे प्रेजेंट अछंती किंतु जमा भी करताली सुभा चाउनी समस्ते हाथ आगु को आनी कि टिके जोरदार टिके ताली देउंतु समस्ते मिसे कि ताली सुभुनी जोरदार करताली तबे निहाते भाबरे आमे झुमी जिबा हची जिबा नाची जिबा संबलपुर नृत्य संबलपुरी नृत्य पश्चिम ओडिसा रो डाल खाई नृत्य आसन देखिबा Thank you.
बोलो मां समलेश्वरी की।
कतिरिया बंदिरिया हाते खन खन बाहा के बाहाटी थाई हे उछे उछन बेकर खगल माली नाचे हली झुली नाकर चतरी को ना चले हली झुली फूल अना चली बुड़ जाऊचे हली कड़िया को ता लल्ला से ढली जिमी बोली संकर ताउ सर पिसर धनगा संकर ताउ सर पिसर धनगा लगे बड़ा मजा लगे बड़ा मजा लगे बड़ा मजा कैंडल खाई रे लगे बड़ा मजा लगे बड़ा मजा कैंडल खाई रे भाई जूतिया बहन जुगी चे सते भाई दलाटिया आई चे दसरा पुनी हेते दलाटिया थोड़ा पीटी पीटी करी नाचू चे ढुलिया उसत करे बजा दाल खाई मजा देगी नाची देले सते लागे बड़ा मजा संखरता उसर पिसर धनगा संखरता उसर पिसर धनगा लागे बड़ा मजा लागे बड़ा मजा लागे बड़ा मजा कै डाल खाई रे लागे बड़ा मजा लागे बड़ा मजा के डाल खाई रे हेलो 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 आज कार्यक्रम को आगे नवा आउ किसी समय पर आम अतिथिवृंद आम गहन उपस्थित अच्छा जहाँ आम समस्ते अपेक्षारत ए मंच में आज कार्यक्रम को आम आगे नवा आ पूर्व अनुरोध करी ए कार्यक्रम को आगे नवा पूर्व आमर अतिथिवृंद आम गहन उपस्थित हो सारे प्रथम श्री माँ हिंगुला चरण से
प्रार्थना करी दीप प्रज्वलन करिबा आउ दीप प्रज्वलन करी सारा परे आमे आम कार्यक्रम को पारंपरिक रीति नीति रे आगे नपा मु अनुरोध करी आज ए ट्रस्ट बोर्ड सभापति महोदय जेकि श्रीजुक्त विश्वरंजन रथ महोदय उपजिलापाल तालचेर तथा ट्रस्ट बोर्ड सभापति महोदय ता सहित अनुरोध करी संतोष कुमार प्रधान ट्रस्ट बोर्ड सदस्य ता सहित गगन बिहारी साहू ट्रस्ट बोर्ड सदस्य माननीय को आमंत्रण करने मंच उपरको अनुरोध करी पाछटी आणवे ए मंच उपर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को आगे ना अनुरोध करेंगे Thank you.
आजर मंच में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम शेष हो सहित आज उन्नीसतम लोकमहोत्सव हिंगुला लोकमहोत्सव आम गहणरे जो बरेण्य अतिथि महान अतिथि जहाँ को आम पाई प्रथम रेवेन्यू डिविजन ओडिशा रे कार्यरत ओडिशा सरकार द्वारा कार्यकारी डिसेंबर 2016 रे ओपीएस परीक्षा दे आईएएस रे उत्तीर्ण हो आज आम गहन रे आम ओडिशा माटी आज गर्वित जहाँ को पाई आम अंचल सारा ओडिशा मध्य गर्वित होती से कही नुहति डॉक्टर सुरेश चंद्र दलाई आईएएस उदरांचल राजस्व आयुक्त संबलपुर महोदय आम गहन रे उपस्थित अच्छा ता सहित अन्यतम से ओडिशा माटी गर्वगौरव अन्यतम अतिथि श्रीजुक्त संसोष कुमार प्रधान महोदय अतिरिक्त जिलापाल राजस्व विभाग अनुगुल महोदय ता सहित जनाशुना विगत दिन में यम तालचेर अंचल अवस्थित एवं अवस्थापित थिले से उपजिलापाल हिसाब से कही नुहंती जे कि आज से आम गहन पाई माँ हिंगुला ट्रस्ट बोर्ड गर्वित से होचन श्रीजुक्त रजनीकांत स्वाई महोदय अतिरिक्त जिलापाल साधारण जहाँ को आम पाई गर्वित प्रथम तो संध्यादीप से माँ को आम दीप प्रज्वलन कर आसतु से बरेण्य अतिथिगण को आज आम उत्तरीय मोमेंट एवं पुष्पर बुके बदल आम गोटे फूल गच्छ दे आम सम्मानित करवा आरंभ करी प्रथमे आज महान व्यक्ति जी आम गहन अच्छा डॉक्टर सुरेश चंद्र दलाई महोदय को उत्तरांचल राजस्व आयुक्त संबलपुर महोदय को आमर सभापति महोदय जी उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त विश्वरंजन रथ महोदय जे कि उपजिलापाल तालचेर तथा ट्रस्ट बोर्ड सभापति महोदय उत्तरीय एवं पुष्पर पात्रटी प्रदान करी सम्मानित करे सहित अन्यतम बरेण्य अतिथि आम गहन उपस्थित अच्छा से कई नुहति श्रीजुक्त संतोष कुमार प्रधान महोदय अतिरिक्त जिलापाल राजस्व विभाग अनुगुल महोदय को श्रीजुक्त संतोष कुमार प्रधान ट्रस्ट बोर्ड सदस्य महोदय पुष्पर पात्र दे एवं उत्तरीय मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित कर सघने बाजुचे साफा करताळी बुद्धि सानाई सरतोळी स्वागतम 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 बरेण्य अतिथिगण को करताळी सा उत्साहित करंतु महान व्यक्ति माने आज माँ हिंगुला पीठर मंच को हिंगुला मंच को आसी तेणुक निश्चिंत भाव में करता उत्साहित करतु एवं ए मंचर सरस सुंदर करतु हेलो बहुत संख्यार प्रेजेंट अच्छा समस्त दर्शक मैंने निहाती भाव में करताली निहाती भाव में चाहबू समस्ते जी संख्यार प्रेजेंट अच्छा टी जोरदार टी ताली देवे करताली सम्मान सह स्वागत करवा मंचस्थ समस्त सम्मानीय अतिथिवृंद बर्तमान श्रीजुक्त रजनीकांत स्वाई अतिरिक्त जिलापाल साधारण सम्मान सह स्वागत जनइबू अनुरोध करी श्रीजुक्त गगन बिहारी साहू महोदय मोमेंटो एवं उत्तरीय पुष्पकुंड दी सम्मान सह स्वागत करिवे एही मंच रे ये जोरदार टिके करो ताकि टिके देबे समस्ते धन्यवाद आमो तू देखा स्वप्न
बर्तमान स्वागत संवर्धना रो उत्सव सरी जाइछि तेणुक ए मंच रे ए बरेण्य अतिथि मानंकु अनुरोध करिवि आजिर से महान अतिथि आम गहन अच्छा से कई नुहंती श्रीयुक्त रजनीकांत स्वाई अतिरिक्त जिलापाल तथा साधारण विभाग को अनुरोध करी से संक्षेप दुई पद अभिभाषण रखिए मंच उपर हेलो माँ हिंगुला जात्रा द्वितीय संध्या रे उपस्थित थिबा आमर प्रिय आरडीसी सर एडीएम सर सब कलेक्टर तालचेर उपस्थित थिबा अन्यान्य ऑफिसर बृंद एवं विशेष करी ए संध्या को लोकाभिमुख करिथिबा एवं आयोजक करिथिबा हिंगुला ट्रस्ट रो समस्त सभ्यवृंद को विशेष करी एठार उपस्थित थिबा समस्त जनसाधारण एवं माँ हिंगुला भक्त को मु स्वागत करुछि नमस्कार करुछि बहुत खुशीर दिन आमे समस्ते माँ हिंगुला यात्रा रो देखिबा को आसीछु एवं बहुत खुशी लागुछि मु जिले रे 3 वर्ष रहिलेनी सब कलेक्टर हिसाब रे तालचेर रे मध्य एक वर्ष दुई मास थिली दुखर विषय सेतेबेले कोरोना प्रपीडित समाज थिला ए यात्रा दुई थर हेई पारि नथिला मां का आशीर्वाद रु एबे दुई वर्ष हला ठीक ठाक चलीची एवं एठी रो ट्रस्टी बोर्ड रो मेंबर्स माने बहुत आग्रह सहित सुंदर भाव रे शांति श्रृंखला रक्षा करिकी माँ का पूजा अर्चना करुछंती मु अशेष धन्यवाद देवी आउ माँ का निकट रे एतिकी प्रार्थना करी तांकरे यात्रा सबुदिन लागी रही थाउ ए डोरी सबुदिन लागी रहू आमे समस्ते एठी आसी आकु उपभोग करिबा एवं समस्ते शांति रे रहिबा आउ आगामी दिन रे आमे निरोग समाज भक्तिपूत समाज एकि गढ़िकी शांति रे रहिबा एतिकी ही मोर कामना सेथिपाई आपणक समस्तंकु एठाकु आसीथिबारु माँक दर्शन भिक्षा करिथिबारु समस्तंकु धन्यवाद थैंक यू ऑल। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त रजनीकांत स्वाई महोदय वर्तमान अनुरोध करिबी निजर अभिभाषण रखिबे श्रीयुक्त संतोष कुमार प्रधान महोदय अतिरिक्त जिलापाल राजस्व विभाग अनुगुल। माँ हिंगुला यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वितीय संध्या रे उपस्थित थिबा समस्त सुधी वृंद विशेष करी आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि उत्तरांचल आरडीसी महोदय मंचासीन समस्त अतिथि उपस्थित समस्त सुधी वृंद आज बड़ खुशीर दिवस माँ हिंगुला अशेष कृपारु आम समस्ते समाज विभिन्न वर्ग रखी आसी समस्ते उपस्थित होती आम प्रदेश एवं देश बाहर विभिन्न लोक ये उपस्थित होती यात्रा गोटे मेसेज आमको दे समाज भितर कमी समरसतार भाव आसव समस्ते आम कि भाव में भाईचारा बहन कर समाज भितर सुख शांति एवं समृद्धि आम कामना करवा आज यात्रा हिंगुला यात्रा माँ को हिंगुला यात्रा जो यात्रा की अनेक दिन हो आसुची एवं यात्रा गोटे प्रेरणा देम को समस्त आम एकाठी जदि हो समाज भितर समस्ते मिसी रहा निश्चित भाव समाज रे सुख समृद्धि शांति फेरी आसव आम समस्ते आग को ओडिशा उत्तरोत्तर उन्नति होगा सहित तो आम अंचल विकास हेब शांति रजर यह कार्यक्रम मो विशेष अधिक किसी कहूना आसतु समस्ते आज माँ हिंगुला प्रार्थना करवा ओडिशार सर्वांगीन विकास हो धन्यवाद। धन्यवाद देवी श्रीयुक्त संतोष कुमार प्रधान महोदय अतिरिक्त जिलापाल राजस्व विभाग अनुगुल ता सहित जहाँ आम समस्ते अपेक्षारत
ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ IAS ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କି ଆମର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, IAS ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁର। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଆଜି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଏବଂ 19ତମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ADM ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ADM ରଜନୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ସବକୋର୍ଟ ରଥ ବାବୁ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ, ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା, ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଏଇ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏଇ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପୁରୁ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛେ। ଗତବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଥିଲି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗତବର୍ଷ ବି ଯାହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ହେଲା, ଯେଉଁ ମେଳା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁଛି। ତା ସହିତ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ କଳାର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର 19ତମ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆସିଥିବାରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରଋଣୀ। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଚ ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଏହି ସଭା ସାଙ୍ଗ ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବୁ। ତା ସହିତ ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗର୍ବିତ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କଳାକାର, ସେମାନେ ହେଲେ ମା ବୀରାକେଶ୍ୱରୀ ନୃତ୍ୟ ମଞ୍ଚରୀ। ସୁଦୂର ପିପିଲିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ମଞ୍ଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ, ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପାର